हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर सुनील कोठीवाला, डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम जयपुर, और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्ने स्कार के एक और ट्रीटमेंट मॉडलिटी के बारे में, प्रोसीजर के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वाले वीडियो में, माइक्रो नीडलिंग वाले वीडियो में बताया था कि पीआरपी थेरेपी पे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो इस वीडियो में हम पीआरपी थेरेपी इन एक्ने स्कार के बारे में ही बात करेंगे। बाकी एक्ने स्कार्स के लिए जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके बारे में हमने इंडिविजुअल वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप एक एक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे आपको ये आइडिया लगे कि कौन से तरह का ट्रीटमेंट किस तरह के स्कार्स में ज़्यादा काम करता है और कितने सेशंस लेने होते हैं, कितना इम्प्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जो पीआरपी थेरेपी है, पीआरपी मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, तो इसका हमने थोड़ा बहुत आइडिया आपको माइक्रो नीडलिंग वाले वीडियो में भी दिया था, और ये दोनों आपस में साथ में ही काम में ली जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम पे। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि केवल माइक्रो नीडलिंग हो रही है एक्ने स्कार में या फिर केवल पीआरपी थेरेपी होती हो रही है। तो पीआरपी थेरेपी जो ट्रीटमेंट है उसमें होता क्या है, किस तरह से काम करता है ये? तो प्लेटलेट्स को हम आपके ब्लड में से प्लेटलेट्स को सेपरेट करते हैं, कंसनट्रेट करते हैं, बहुत कम सॉल्यूशन में उतने ब्लड की प्लेटलेट्स को लेकर आते हैं और उन प्लेटलेट्स को दोबारा आपके स्किन को डिलीवर कर देते हैं। यानी आपका ही ब्लड, आपकी ही कोशिकाएं और उनको आपकी ही स्किन में दोबारा से डिलीवर कर दिया। तो ये एक तरह से नेचुरल ट्रीटमेंट बोला जाता है इसको, और सब कुछ आपके ही बॉडी से हमने लिया और उसमें वापस इंजेक्ट कर दिया, तो साइड इफेक्ट होने के चांसेस बहुत कम है अगर उसको अप्लाई करने वाला पर्सन एक्सपर्ट है। तो जनरली पीआरपी थेरेपी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई डाउन टाइम नहीं आता। अब पीआरपी में होता क्या है, जो प्लेटलेट्स होती हैं उसके अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, मतलब 20 से 25 तरह के अलग अलग तरह के ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। अब वो ग्रोथ फैक्टर्स क्या करवाते हैं, वो ग्रोथ फैक्टर्स अपने बॉडी के जो दूसरे टिश्यू हैं उनको ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ करवाने में हेल्प करते हैं। यानी ऑर्गेनाइज्ड मतलब एक अच्छी, जो बॉडी के लिए अच्छी हो वैसी ग्रोथ करवाने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर अपने को स्कार्ड कोलेजन को रिप्लेस करवा के अपने को एक अच्छा कोलेजन चाहिए, नया कोलेजन चाहिए, तो ये जो प्लेटलेट्स हैं ये यहीं पर हेल्प करती हैं अपनी। जब ये स्किन में डिलीवर होती हैं तो वो स्किन में जाकर रप्चर हो जाती हैं, अपने सारे ग्रोथ फैक्टर्स, या मैं उनको न्यूट्रिशन बोलता हूँ मेरे पेशेंट्स को, उस ग्रोथ फैक्टर्स को वो स्किन को डिलीवर कर देती है। तो वो ग्रोथ फैक्टर्स वहाँ पर कोलेजन रीजनरेशन का काम करती है, तो उसमें स्किन टाइटनिंग भी मिलती है और उसमें स्कार भी इम्प्रूव होते हैं। दोस्तों, पीआरपी थेरेपी की कैसे जाती है, इसमें आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है। ज़्यादातर समय पर फेस के लिए हमें जो फाइनल सॉल्यूशन है वो 4 से 5 ml सफिशियंट होता है। इसमें दोनों चीक कवर हो जाते हैं, आपके फोरहेड कवर हो जाती है, और अगर किसी किसी को नोज पर ओपन पोर्स रहते हैं तो ये भी कवर हो जाता है। तो 4 से 5 ml फाइनल सॉल्यूशन चाहिए होता है। अब 4 से 5 ml फाइनल सॉल्यूशन के लिए 25 से 30 ml ब्लड लिया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है। तो सिंपल जैसे आपका ब्लड टेस्ट होता है वैसे ही ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है, कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी नहीं होती है इसके लिए। लेकिन जो ट्यूब्स काम आ रही हैं, जो कलेक्ट करने के लिए जो ट्यूब्स काम में आ रही हैं वो स्पेशल होती हैं, और उन ट्यूब्स को फिर वापस सेंट्रीफ्यूज मशीन की हेल्प से जो आपका ब्लड है उसमें से आरबीसी और प्लाज्मा को अलग अलग कर लिया जाता है, सेपरेशन बोलते हैं उसमें। फिर एक सेकेंड स्टेप होता है जिसमें वो जो प्लाज्मा हमने अलग किया उस प्लाज्मा को दोबारा से वापस सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, जिससे वो प्लेटलेट्स होती हैं वो एक पैलेट की फॉर्म में लोअर 1/3 पार्ट रहता है उसमें आकर के कंसंट्रेट हो जाती है। तो ये होता है कंसंट्रेशन वाला स्टेप। ऊपर का 2/3 होता है वो प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा होता है, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं और स्पेशली फेस पर वो बहुत ज़्यादा काम नहीं आता। तो ये तो हो गया प्रिपरेशन मशीन वाला, हमने पीआरपी प्रिपेयर कर लिया। ये प्रिपरेशन आपका चलता रहता है, उसके साथ साथ जब आप आते हैं क्लिनिक विजिट करते हैं, फोटोग्राफी हो गई, एक्ने स्कार्स का फोटोग्राफ हो गया, उसके बाद में आपके फेस पर एक नमनेस क्रीम लगा दी जाती है। तो जब तक आपके नमनेस क्रीम को 30 to 45 मिनट होगा तब तक पीआरपी प्रिपरेशन वाला काम भी हो जाता है। या फिर पीआरपी मान लो ठीक है प्रिपेयर हो रहा है, टाइम लग रहा है उसमें, तो फिर डॉक्टर यहाँ पर आपका नमनेस क्रीम रिमूव करके और फिर उसके बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। तो उस ट्रीटमेंट में क्या होता है, पीआरपी थेरेपी दो तरह से की जा सकती है, या तो वो माइक्रो नीडलिंग के साथ कंबाइन करके की जा रही है, या फिर पीआरपी थेरेपी अलोन अकेले की जा रही है। तो मैं पहले माइक्रो नीडलिंग के बारे में हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, तो एक मेथड तो हो गया माइक्रो नीडलिंग की, माइक्रो नीडलिंग करने के बाद में फिर पीआरपी अप्लाई कर दिया,
और एक दूसरा मेथड हो गया जिसमें माइक्रोनीडलिंग को बाईपास कर दिया, माइक्रोनीडलिंग नहीं कर रहे हैं वहां पर, डायरेक्ट केवल पीआरपी अप्लाई कर रहे हैं। अब पीआरपी को अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, या तो उसको जनरली स्प्रे कर दो आपके फेस पर, कुछ भी नहीं किया जस्ट ठीक है किया और अप्लाई कर दिया उसको। अब वो स्प्रे करने में भी सिंपल, आप उसको फिंगर से भी कर सकते हो, ब्रश से भी कर सकते हो, या आजकल डिवाइसेज आती हैं जिसमें वो जेट स्प्रे होता है बहुत बहुत ही तेज स्पीड से स्प्रे करने के लिए, वो भी कर सकते हो। तीनों तरह से अप्लाई किया जा सकता है। ये तो हो गया आपकी एप्लीकेशन जो ऊपर से आपने अप्लाई की है। दूसरा तरीका जो ज़्यादा पॉपुलर है एक्ने स्कार्स के लिए, उसमें आपका जो पीआरपी है वो आपकी स्किन में स्कार्स में इंजेक्ट किया जाता है। तो इंजेक्ट कैसे किया जाता है, इंसुलिन सिरिंज की हेल्प से आपके जो भी स्कार्स हैं उनके बेस पर इंजेक्ट किया जाता है। तो इसमें दो पर्पस सॉल्व होते हैं, उस इंसुलिन सिरिंज से जो छोटे स्कार्स होते हैं उनके लिए मिनी सब्सीजन भी हो जाता है एक तरह से, स्पेशली आइस पीक स्कार्स में, और दूसरा फिर आप पीआरपी भी डिलीवर कर रहे हो। तो पीआरपी को डर्मिस के लेवल पर इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये जो प्रोसीजर है जिसमें बाहर से अप्लाई किया उसमें तो कोई पेन वाला इशू है ही नहीं, जो इंजेक्शन वाला इशू है उसमें हल्का सा बर्निंग सेंसेशन और पेन फील हो सकता है नंबनेस क्रीम लगाने के बाद भी, पर ये टॉलरेबल होता है ज़्यादातर समय पे। पीआरपी थेरेपी को करने में कितना समय लगता है, तो माइक्रोनीडलिंग के साथ अगर अपन इसको कर रहे हैं तो 1 से 1.5 घंटे का समय इसमें लगता है। अगर पीआरपी थेरेपी अलोन कर रहे हो तो 30 मिनट्स के आसपास इसमें टाइम लगता है। लेकिन पीआरपी को ब्लड सैंपल लेना, पीआरपी प्रिपेयर करना, आपका नंबनेस का क्रीम और प्रोसीजर अगर माइक्रोनीडलिंग के साथ है तो 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है। आपको क्या स्पेशल प्रिकॉशंस चाहिए इसके लिए, आप जो सनस्क्रीन वगैरह लगा रहे थे स्किन प्राइमिंग के लिए वो आपको कंटिन्यू रखनी होती है जो डॉक्टर ने बताया, और करवाने से पहले जिस दिन आपको विजिट करना है क्लिनिक में उस दिन अपना ब्रेकफास्ट लंच जो भी खाना पीना है वो पूरा प्रॉपर लेकर जाएं, क्योंकि 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। प्लस प्रोसीजर्स हैं तो प्रोसीजर्स में जैसे इंजेक्शन प्रिक भी होगा तो उसमें नोजिया वोमिटिंग का चांस रहता है अगर आप खाली पेट जाते हैं तो अपना मील है वो लेकर जाएं। करवाने के बाद में क्या होता है, आपको एक रेडनेस रहती है हल्की सी, माइक्रोनीडलिंग पीआरपी थेरेपी वाले पेशेंट्स में वो रेडनेस 24 घंटे से भी कम लास्ट करती है, ठीक हो जाती है। अगर माइक्रोनीडलिंग नहीं करवाई है केवल पीआरपी थेरेपी करवाई है तो बहुत ज़्यादा कुछ उसमें चेंजेस आते नहीं है, बहुत हल्का फुल्का कोई रेडनेस हो पिन प्रिक नीडल प्रिक का तो वो 2 से 3 घंटे में खत्म हो जाता है। पीआरपी के बाद में कुछ क्लिनिक्स पर आपको कुछ मास्क भी अप्लाई किए जा सकते हैं जस्ट फॉर सूदिंग इफेक्ट, कि जो इंजेक्शन प्रिक है वो पेन सेटल हो जाए और आपका जो भी इडिमा है रेडनेस है वो फास्ट ठीक हो जाए। अब 24 घंटे के बाद अगले 5 से 7 दिन में आपको सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे से लगाना होता है ताकि जो भी प्रोसीजर के टाइम पे ऊपर वाली स्किन को जो भी ट्रॉमा हुआ है वो बिना किसी अनइवेंटफुल हैपनिंग के ठीक हो जाए वापस। तो पीआरपी थेरेपी को अगर तरीके से प्रिपेयर किया गया है पीआरपी को सॉल्यूशन को और उसको बहुत अच्छे से अगर इंजेक्ट किया गया है तो यूजुअली उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हम इसको नेचुरल थेरेपी बोलते हैं इसीलिए कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर कभी कभार ऐसा होता है कि जब पीआरपी आपने सेपरेट किया और सेपरेट करने के बाद कंसंट्रेशन स्टेप के लिए आपने जब प्लाज्मा लिया और उसमें हल्का फुल्का अगर आरबीसी भी आ गया साथ में, ब्लड वाला रेड वाला पार्ट भी अगर आ गया उसमें, और अगर वो इंजेक्ट भी हो जाता है तो फिर एक हल्का सा ब्राउनेस पिगमेंटेशन आ जाता है जो 5-7 दिन 10 दिन में फिर जाकर के अपने आप क्लियर होता है। दूसरा साइड इफेक्ट, अगर पीआरपी थेरेपी को माइक्रोनीडलिंग के साथ कंबाइन किया जा रहा है और अगर उसमें डर्मा रोलर है जो अगर बहुत अग्रेसिवली किया गया है तो कभी कभार उसके मार्क्स बन जाते हैं और उनको जाने में 1 से 1.5 महीने का समय लगता है। बाकी अगर अलोन पीआरपी की बात करते हैं तो पीआरपी के जनरली कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। जो इंजेक्शन रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, कुछ नीडल प्रिक का निशान हो गया या किसी जगह पे ब्रूज हो जाता है तो वो 2 से 3 दिन में वापस सेटल हो जाता है, पर वो भी चीक्स पर एक्ने स्कार्स में बहुत जल्दी से होता नहीं है। वो फेशियल रिजुवेनेशन में जब फुल फेस पीआरपी किया जाता है गर्दन के लेवल तक तब थोड़ा बहुत चांसेस रहता है, बट एक्ने स्कार में वो भी नहीं होता। जो रिजल्ट्स में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पीआरपी में ये होता है कि 7 से 10 दिन तक हमें एक फिलिंग इफेक्ट दिखता है, तो वो एक जस्ट धोखा सा होता है, मतलब वो नहीं एक्ने स्कार का परमानेंट इंप्रूवमेंट नहीं होता है। वो शुरू में ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, गायब हो गए मेरे गड्ढे, लेकिन जो इंप्रूवमेंट है वो 4th हफ्ते से आना स्टार्ट होता है। और किसी भी तरह का एक्ने स्कार ट्रीटमेंट हो जहां पर हम कोलेजन को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, नया कोलेजन प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर इंप्रूवमेंट आपको 4th वीक के बाद ही देखने को मिलेगा। जो सेशंस हैं वो कितने जल्दी जल्दी रिपीट होते हैं, 1 महीने के गैप पर रिपीट होते हैं,
इसी वजह से, क्योंकि जो कोलेजन रीजनरेशन है वो लगभग चौथे हफ्ते से स्टार्ट होता है, इसी वजह से जो ट्रीटमेंट है वो एक CO2 लेजर होता है, वो 2 से 3 महीने में एक बार होता है, बाकी सारे जो ट्रीटमेंट है वो जनरली महीने महीने पर रिपीट होते हैं। कितने सेशंस चाहिए इसमें करवाने के लिए? अगर अलोन PRP माइक्रो नीडलिंग पे आपने सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल देना है तो फिर आपको 4 से 6 सेशन मिनिमम चाहिए। कभी कभार ये जो नंबर ऑफ सेशन है वो 8 तक भी जा सकते हैं। दोनों चीज़ों को कंबाइन करने पे, माइक्रो नीडलिंग और PRP को कंबाइन करने पे जो इम्प्रूवमेंट है वो 40 से 50% के आसपास इम्प्रूवमेंट नज़र आ सकता है। लेकिन अगेन ये स्किन टू स्किन और स्कार के टाइप पे डिपेंड करता है। ज़्यादातर समय चीज़ों को कंबाइन किया जाता है, जैसे हमारे सेंटर पर हम 2 CO2 के बीच में 1 PRP करते हैं, ऐसे ही फिर अगले 2 CO2 के बीच में 1 PRP करते हैं। तो इस तरह से 2 या 3 सेशन CO2 और 2 या 3 सेशन माइक्रो नीडलिंग PRP कंबाइन करने से यही फायदा होता है कि जो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट है उसके सेशंस कम हो जाते हैं और आपको दो अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट मॉडलिटीज मिल जाती है उतने ही टोटल नंबर ऑफ सेशन में। अब रही बात कॉस्टिंग की, सबसे ज्यादा कमेंट हमें एक्ने स्कार वाले या जो लेजर हेयर रिडक्शन वाले वीडियोज हैं उनमें सबसे ज्यादा कमेंट ही यही आता है कॉस्ट क्या है इसका। तो दोस्तों कॉस्ट के लिए मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप अपने सिटी में जहां आप रहते हैं वहां पर आप 2-3 सेंटर की कॉस्ट पता करें, क्योंकि हमारा सिटी जयपुर है, हमारे जैसे यहां की जो कॉस्ट है वो आपके वहां की कॉस्ट से मैच करे वो जरूरी नहीं। जो कॉस्ट है वो सेंटर टू सेंटर, सिटी टू सिटी, डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है। हमारे यहाँ पर माइक्रो नीडलिंग PRP थेरेपी फेस के एक्ने स्कार्स के लिए 6,000 रुपये कॉस्ट करता है। अगर अकेले आप PRP थेरेपी करवा रहे हैं तो वो 3,500 रुपये के आसपास, माइक्रो नीडलिंग करवा रहे हैं तो वो 3,500 से 4,000 रुपये के आसपास कॉस्ट करती है। दोनों चीज़ एक साथ ही करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे क्लिनिक पर, तो वो 6,000 रुपये कॉस्ट करती है। लेकिन फिर भी आप इसको कोई पत्थर की लकीर ना माने, आप अपने जहाँ जिस सिटी में रहते हैं वहाँ पर अपना 2-3 जगह से कॉस्ट पता करके क्या क्या इक्विपमेंट्स अच्छा, कॉस्ट पता करने के साथ साथ आप ये भी पूछ सकते हैं कि जो माइक्रो नीडलिंग है वो डर्मा रोलर से होगी या डर्मा पेन से होगी, डर्मा पेन में किस तरह का डर्मा पेन है, डर्मा रोलर है तो उसमें 192 नीडल वाला है या ज़्यादा नीडल वाला है, वो चीज़ें आप पूछ सकते हैं। साथ में जो PRP थेरेपी हो रही है उसमें आप इंजेक्ट करके करवाने वाले हैं या ऊपर अप्लाई करके करवाने वाले हैं, क्योंकि ऊपर अप्लाई करके करवाने वाले में कॉस्ट कम हो जाती है। तो दोस्तों ये था PRP थेरेपी नेकने स्कार। PRP थेरेपी स्किन में और भी जगह पर काम आता है, जैसे हेयर फॉल में, हेयर लॉस में भी काम आता है, कुछ वुंड हीलिंग वाली जगह पर भी काम आता है, फेशियल रिजुविनेशन में काम आता है, फाइन लाइंस रिंकल्स में काम आता है, अंडर आई डार्क सर्कल्स में और अंडर आई जो ये डिप्रेशन हो जाता है उसमें भी काम आता है। तो ये तो इस वीडियो में हमने सिर्फ PRP एक्ने स्कार्स में कैसे काम करता है, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, कितने ट्रीटमेंट्स चाहिए, ट्रीटमेंट के बाद क्या चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको PRP के बारे में इसमें जानकारी मिली होगी। कुछ लोकल पेशेंट्स ने हमें एक्ने स्कार जो CO2 लेजर वाला हमारा जो वीडियो है उसके लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्स दिया जब वो क्लिनिक पर आए ट्रीटमेंट करवाने। तो दोस्तों पर्पज़ यही है कि आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन यानी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एक सिंपल लैंग्वेज में, एक बेसिक लेवल पर जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टर्म्स का भी यूज ना हो और आपको समझ में आए, क्योंकि आप एक ऐसा ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं जहाँ पर अपने एक्ने स्कार का जो टोटल ट्रीटमेंट है वो लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये कॉस्ट करता है। तो जहाँ आप ये चीज़ें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको चीज़ों के बारे में पहले से पता होना चाहिए, और इसी पर्पज़ से ये सारे वीडियोज़ अलग अलग प्रोसीजर्स के वीडियोज़ बनाए गए हैं। उसी मोटिवेशन की वजह से हम ये बाकी सब वीडियोस बना पाए, एक्ने स्कार के इंडिविजुअल सारे ट्रीटमेंट्स के बारे में हमने आपको वीडियोस बनाए हैं आपके लिए। और इन सब वीडियोस बनाने का पर्पस सिर्फ यही है कि आप इन सब ट्रीटमेंट्स को एक बेसिक लेवल पर समझकर डॉक्टर के साथ बात करें। इस वीडियो में भी आपको लगता है कि आपके किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को, कंसर्न को हमने एड्रेस नहीं किया है, हम आंसर नहीं कर पाए वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। पर अपनी क्वेरीज को स्पेसिफिक रखिए, क्योंकि जो वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है उसको कमेंट में वापस पूछने से कोई फायदा नहीं। तो अब इसमें एक्ने स्कार्स में ओनली एक माइक्रो नीडलिंग RF वाला वीडियो रह गया है दोस्तों, तो मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि हम उसको भी जल्दी पब्लिश करें ताकि हमारी एक्ने स्कार वाली जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाए। इसी तरह के यूजफुल इंफॉर्मेशन वाले वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आगे इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।